और साथ साथ जिन लोगों को विटामिन D3 डेफिशिएंसी होती है तो वो अपनी डाइट के अंदर, तो अगर आप फ्राई किया आइटम कुछ भी आप डालते हैं ब्लैक पेपर या ब्लैक सॉल्ट वगैरह, तो उसकी भी कैलोरीज इंक्रीज कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अखिला मुश्ताक। आई एम करंट वर्किंग एट लाहौर पॉलीक्लिनिक एंड लाइफलाइन हॉस्पिटल। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ वो बहुत अमेजिंग है और हर किसी का ये सवाल होता है कि क्या हम अपनी डाइट के अंदर कितने रोज़ाना के मकदार में अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देखा जाएगा वेट लूज़ कर रहे हैं या वेट गेन कर रहे हैं तो कितनी कैलोरीज आनी चाहिए और किस तरह इस्तेमाल करेंगे आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं एग्स के। तो सबसे पहले तो एक उबले हुए अंडे के अंदर आपको कैलोरीज ऑलमोस्ट 70 या 79 कैलोरीज मिलती हैं एक उबले हुए अंडे में। अगर आप उसी एग को फ्राई के फॉर्म में इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपको उसमें से कैलोरीज मिलना शुरू होती हैं 100 या 120 तक कैलोरीज। तो अगर आप फ्राई के आइटम में कुछ भी आप डालते हैं ब्लैक पेपर या ब्लैक सॉल्ट वगैरह, तो उसकी भी कैलोरीज इंक्रीज कर देते हैं। अगर एक पेशेंट अगर अपना वेट लूज करना चाह रहा है या अपना वेट लूज ज़्यादा करने की फॉर्म के अंदर है, सर्दियों के अंदर आप एग को इस्तेमाल कर सकते हैं 2 टाइम, एक आप सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हैं और एक आप लंच टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी इसको इस्तेमाल करें तो आपने ये चीज़ जरूर ध्यान में रखनी है, इसके साथ दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लंच टाइम आप सलाद की फॉर्म में इनको इनटेक कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस जल्दी करना चाहते हैं तो आप पूरे दिन में आप 3 अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी एग वाइट। एग वाइट के साथ आप ब्लैक कॉफी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन टी भी पी सकते हैं, लेकिन आपने एक गैप जरूर रखना है क्योंकि जैसे मैंने आपको कैलोरीज का बताया है, तो अगर आप पूरे दिन के अंदर 1200 कैलोरीज ले रहे हैं तो उसमें से आप 3 अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग जिम कर रहे हैं या अपने मसल गेन करना चाह रहे हैं तो वो पूरे दिन में 6 एग का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लंच डिनर एंड ब्रेकफास्ट की फॉर्म में किसी भी चीज़ में बनाकर इनटेक कर सकते हैं। लेकिन एग योग जब इनटेक करेंगे आपको कैलोरीज हाई आना शुरू हो जाएंगी। एग योग एग के अंदर बुरी नहीं होती, लेकिन अगर जो लोग एक्स्ट्रा इनटेक करते हैं जिसकी वजह से उनका लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, लेकिन एग योग के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होता है लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल इसके अंदर नहीं होता, सिर्फ ये मिथ है। और साथ साथ जिन लोगों को विटामिन D3 डेफिशिएंसी होती है तो वो अपनी डाइट के अंदर एग योग जरूर इस्तेमाल करें। आपको विटामिन D3 वहाँ से मिलता है, आयरन वहाँ से मिलता है, आपको काफ़ी अच्छे न्यू विटामिन वहाँ से मिलना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ एग वाइट इनटेक करने के आप साथ साथ एग योग भी लेंगे, उससे कि आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। सर्दियाँ आ रही हैं तो एग का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा अच्छे सोर्सेज भी हैं। विटामिन ए भी आपको इसमें से मिल जाता है, तो आपकी डाइट में जितने ऑर्गेनिक चीज़ें जाएंगी तो आप उतना ही हेल्दी वे में जा सकते हैं। अगर आप हार्मोन्स के इश्यूज़ हैं या PCOS के इश्यूज आ रहे हैं या मैन का बहुत ज़्यादा फैटी लीवर है तो आप उबले हुए अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह नाश्ते टाइम आप 2 उबले हुए अंडों का एग वाइट ले लें, साथ ब्लैक कॉफी या हाफ कप लो फैट मिल्क ले लें, साथ आप आर्मिक्स ले सकते हैं या एप्पल ले सकते हैं। ये आप नाश्ता करेंगे बहुत आसानी से आप 1 महीने में अपना 5 to 10 kg वेट लॉस कर सकते हैं। सिर्फ डाइट प्लान से नहीं, डाइट प्लान के साथ आप एक्सरसाइज करें, साथ सप्लीमेंट्स लेंगे तो आप बहुत आसानी से आप अपना वजन कम कर सकते हैं। थैंक यू।